Hi, this is Khan and welcome to Detox. Today we'll talk about what's going on around the country and what is basically causing the frustration we have. Recently we have all seen the news on social media, on television about things that have been going around in the country. The sexual assaults and what has it led to. What I think is that all of this has nothing to do with what you wear and where you are and what is going on. It's all about mindset. मिनसेट होता है, अभी तो नहीं ना होता कि आप सुबह ऑफिस के लिए निकले और रास्ते में आपको कोई स्कर्ट में दिख गई तो आप कहते हो अच्छा ठीक है भाई आ जाओ, ऐसा नहीं करते हो बिकॉज यू नो इट इज़ नॉट व्हाट यू डू, इट इज़ नॉट व्हाट यू आर टोल्ड टू डू। द सेम गोज के जब बॉय सारे बैठे होते हैं तो कहते हैं मैं तेरी गांड मार दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि ही विल गो एंड डू दैट टू हिम, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ही हैज़ दैट डोमिनेंट या उसकी इतनी अथॉरिटेटिव को है कि ही कैन डू दैट एंड देयर इज़ नो नथिंग ही अदर पर्सन कैन डू अबाउट इट, जो कुछ कर नहीं सकता वो ये कर देगा। उसको हटा के अभी जो रिसेंटली पंजाब में हुआ है, द गाय वॉज रेपिंग अ डेड बॉडी, तो कफन में छोटा होता है, कफन में भी स्कर्ट पहनी होती है। द अदर थिंग इज दैट जब तक सजाएं मिलना शुरू नहीं होंगी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। हम वो है ना कि हम बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अनटिल अनलेस वी सी के द आउटकम ऑफ ऑल ऑफ दिस केस के बाद यू आर गेटिंग हैंग्ड ऑन व्हाट्स एवर इज हैपनिंग, जब तक वर्स्ट हम नहीं देखेंगे हम रुकते नहीं हैं, कहते हैं ठीक है द अदर हैज गॉटन अवे विद इट, हम भी कर लेते हैं, इजी फ्लो है। अब ज़रबियाज हुआ था, उससे पहले बम धमाके नहीं रुका था, ज़रबियाज बहुत को सब कुछ बंद हो गया था, बम धमाके नहीं होते, क्यों? दे सॉ दैट दिस इज़ व्हाट कैन बी डन टू यू इफ यू डू सर्टेन थिंग्स। मेजॉरिटी जो हम आवाम है हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, व्हेन वी सी कि अच्छा इस चीज़ के लिए एंड रिजल्ट ये है वी स्टॉप टू एंड इट। द पॉइंट इज दैट वी नीड टू बी टॉट एट हाउ इट इज़ एंड व्हाट इट इज़, जो कह रहे हैं उनको सजाएं दें और प्रॉपर इस पर लॉज रेगुलेशन बने, इसको टैबू ना बनाया जाए बिकॉज दिस इज़ अ जेन्युइन इशू इन आवर सोसाइटी एंड इट नीड्स टू बी डेल्ट विद। दैट्स इट फॉर टुडे।